हेलो अरविंद, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बच्चों, जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। तो सबसे पहले पीएसएल को लेके बड़ी खबर। मैंने कहा था आप लोगों से कि फर्स्ट वीक ऑफ फेब में ये लोग पीएसएल को स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों ने दुनिया भर के मेरे पास कमेंट भेज दिए, आप लोगों ने टेलीग्राम पर मेरे पास कम से कम 300 मैसेज अब तक मैं उस वीडियो के ऊपर रिसीव कर चुका हूं। हर एक बच्चे का ये था कि सर पीएसएल कब शुरू करेंगे, पीएसएल कब शुरू करेंगे। वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चे पीएसएल के रिगार्डिंग 8 जनवरी को बच्चे आप लोगों को पीएसएल आ जाएगा, लेकिन यहां पर मैं आपको बता रहा हूं बच्चे इनरोलमेंट कब शुरू होगा। मैंने उस वीडियो के अंदर यहां पर आपको बताया भी था इनरोलमेंट के अंदर कि भाई वो फर्स्ट वीक ऑफ फेब से शुरू होने वाला है, लेकिन आप लोग माने नहीं। अब मैं आपको और एक अच्छी अपडेट दे दूं, फर्स्ट वीक ऑफ फेब में क्या बच्चे ध्यान रखना, वो 3 फरवरी से शुरू होने वाला है। क्या बच्चे, यहां पर आप लोगों का जो इनरोलमेंट है तो मतलब आपको 3 फरवरी तक क्या बच्चे अपना बैग पैक कर लेना है भाई। आपको यहां पर क्या है, आप सब लोगों को अपना बैग पैक कर लेना है भाई 3 फरवरी को, ठीक है। 3 फरवरी से आप लोगों का इनरोलमेंट शुरू होने वाला है। ये आज की बच्चे तीसरी बड़ी अपडेट थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अब दुनिया चाहे कुछ भी बोलती रहे, कब आएगा कब नहीं आएगा, बेटा हर एक बच्चे का आंसर देने का अगर मैं देने लग गया तो दिन भर में पागल हो जाऊंगा, ध्यान रखना। बहुत सारे लोग बोलते हैं रीमेडिकल बाकी है, तो रीमेडिकल हो जाएंगे, क्या दिक्कत होगी। बहुत सारे बच्चे हैं यार, कम पढ़ेंगे तो पीछे वालों में से बुला लेंगे, क्या दिक्कत है। रैली से बहुत कुछ भर्ती उन लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट पड़ी तो बच्चे तुम्हारे साथ पीएसएल भी है, वो पीछे वाले से यहां पर क्या है बच्चों को कॉल कर लें, कौन सी बड़ी बात है। और लगभग पूरा एक महीना भाई तुम्हारा इनरोलमेंट चलने वाला है, तो क्या बड़ी दिक्कत होगी यार। तुम्हारे रीमेडिकल होते रहेंगे, क्या हो गया उसमें। अब तुम्हें क्या लगता है, रीमेडिकल अगर होंगे तो डॉक्टर का बच्चे अपॉइंटमेंट ऑलरेडी क्या बच्चे हो चुका है, वहां पर आपको जाते ही फटाफट जो आपका पॉइंट है चेक करेंगे और घर की तरफ वापसी, या फिर क्या अपना बैग पैक करो जाने के लिए, दोनों में से एक काम ही तो होगा ना। तो ये जो दुनिया भर के जो तुम्हारे दिमाग में कचरा घुसा हुआ है कि ये नहीं ऐसे होगा, ये 100% मैं कह रहा हूं, अरे यार कुछ टाइम से मैं आप लोगों को ट्रेंड कर रहा हूं तुम्हें, यहां पर मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि मैं 100% कंफर्म होता हूं, लेकिन कम से कम बेटा 90% प्लस तो मेरा चांस रहता ही हमेशा। याद करो सबसे पहले कदम ताल को लेकर मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाया था और बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे गालियां देनी शुरू कर दी, कुछ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, वाहियात कमेंट करने शुरू कर दिए, मेरा क्या बिगड़ेगा उससे यार, ये मुझे बताओ। ना तो मैं YouTube से पैसा कमाता हूं, बिल्कुल मोनेटाइजेशन फ्री है, कोई आपको एड वेड नहीं आता होगा YouTube पे, पहली बात तो ये। तो मुझे व्यूज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, कि मुझे YouTube से पैसा आएगा, एड दिखेंगे आप लोग देखोगे, गलत बात। मैं चाहता हूं कि जितने बच्चे ये गलत चीज में डाइवर्टेड हैं, मैं उन सब लोगों को सही सही बातें सही सही समय पर बताना चाहता हूं, बस मेरा यही है। कितनी ईमानदारी से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, दिन भर बच्चे क्लास चलती है आप लोगों के यहाँ पे, ठीक है। क्या उसमें हम कभी ऐड करते हैं, कभी ऐड नहीं करते बच्चे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वहां पे आके देखो, 10,000+ बच्चे वहां पर ऐड हैं, तो वहां पे हमने कौन सा पैसे कमा लिए भाई। बहुत सारे लोग कुछ कुछ बातें बोलते रहते हैं यार, हम लोग यहां पर हैं, मेरा सिर्फ एक ही मोटो है बच्चे यूट्यूब पे आने का। मैं पहले मार्केटिंग नहीं करता था, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आजकल आप अगर मार्केटिंग नहीं करोगे तो आप टिक नहीं पाओगे। मतलब आपको कैंडिडेट चाहिए, वो कैंडिडेट मार्केटिंग के जरिए आएंगे। कुछ लोग फेक मार्केटिंग भी कर रहे हैं ना, कुछ भी बना के बेच देते हैं। जिन लोगों को डिफेंस का डी तक नहीं पता, वो आजकल के टॉप अपने आप को बोलते हैं कि मैं सबसे बड़ा टीचर हूं पढ़ाने वाला, जिसने जिसको डिफेंस का डी नहीं पता, जिसको एक्स ग्रुप की ब्रांचेस तक का नहीं पता, वो आपको क्या बताएगा यार। तो ये संभावनाएं तुम समझते क्यों नहीं हो। मैं तो एक एक चीज तुम्हारे साथ ये करता हूं कि नहीं यार, गांव के बच्चे कोई उनको भटका ना दे, क्योंकि मैं भी उसी गांव से बिलोंग करता हूं, ताकि आप लोगों को सही बात सही टाइम तक पहुंचाता रहूं, जो आपके डाउट है वो दूर करता रहूं। और अभी एक वीडियो मेरा मेडिकल के ऊपर आएगा, उसमें सारा मेडिकल को उधेड़ रख दूंगा, ध्यान रखना कहां कहां से पॉइंट बनते, कौन कौन से मेजर रीजन है, क्या क्या तुमको ध्यान रखना चाहिए, वो भी तुम्हारा जो तुम्हारे दिमाग के अंदर कचरा है वो सारा डिफेंस गुरुजी तुम्हारा साफ करेगा, ध्यान रखना A to Z चीज। और लिख के दे रहा हूं, लेटर आ चुका है बच्चे, 3 फेब को इनरोलमेंट तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है 3 फेब को, तो मान के चलो कब पीएसएल आ जाएगा। 10 तारीख तक उनको बच्चे जनवरी तक रिलीज करना ही पड़ेगा, 10 जैन को तो क्या बच्चे उनको पीएसएल निकालना पड़ेगा यार, क्योंकि वो आप लोग जानते हैं 11 जैन से तो वो लोग क्या है, वो लोग यहां पर फेज 2 में बिजी हो जाएंगे। खुद भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ भाई, फेज 2 में तो क्या वो लोग बिजी हो जाएंगे, 11 से लेकर 25 तक तो उनके पास समय ही नहीं है भाई, 11 से लेकर 25 जैन तक उनके पास समय, इसी बीच में क्या है वो 8 से लेकर 10 तारीख तक यहां पर क्या उनको पीएसएल निकालना ही चाहिए, अगर अनटिल और अनलेस कोई बड़ी बात ना हो तो, समझ रहे हो। इसीलिए वीडियो मैंने तुम लोगों के लिए डाला है,
सब्सक्राइब कर लो चैनल को और घंटे को बजा दो बेटा, रात को भी वीडियो आने वाले हैं, दोनों वीडियो आएंगे। अपडेट लेनी है तो भाई काम करना पड़ेगा। और तुम लोगों का जो सपना था कि सर आप हमें ऑफलाइन पढ़ाओ, तो ऑफलाइन के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज हम लोग शुरू कर रहे हैं बच्चे, ध्यान रखना। ये सरप्राइज आप लोगों के लिए बच्चे 26 जनवरी को होगा, गणतंत्र दिवस के दिन हम लोग 7 बजे आके धमाल मचा देंगे, ठीक है। और यहां पर आप लोगों के लिए क्या है, ऑफलाइन का सिस्टम मैं शुरू करूंगा, देखना। जैसे मैंने फेज 2 के अंदर आप लोगों को रिजल्ट दिए, वही रिजल्ट आपको यहां पर क्या इस बार रिटर्न में देके दिखाऊंगा। मैं रिटर्न में आपको मैं बच्चे सारी की सारी अपडेट दूंगा, ताकि आपको मैं रिकॉर्ड तोड़ बच्चे परफॉर्मेंस और रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट हम लोग यहां पर देंगे, चाहे वो एक्स ग्रुप हो, चाहे वो वाई ग्रुप हो, चाहे वो बच्चे SSR हो, चाहे वो बच्चे यहां पर AA हो, ये चारों चीज यहां पर क्या है हम लोग आपको देंगे भाई। और पूरे सिलेक्शन के साथ में, जिस प्रकार इस बार हम लोगों ने सिलेक्शन निकाले हैं, और फेज 2 का रिजल्ट आएगा, जब भी तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा भाई, मैं वीडियो बनाता रहूंगा तुम लोगों के लिए। एक एक ASC का रिजल्ट आपको यहां पर दिखेगा, ध्यान रखना। यहां पर अंबाला के बारे में आपको बताऊंगा पूरा का पूरा बच्चे, कानपुर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग यहां पर बच्चे असम के बारे में चर्चा करेंगे, बेंगलोर के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे बच्चे, ध्यान रखना। भोपाल के बारे में हम लोग यहां पर क्या है चर्चा करेंगे आप लोगों से। उसके अलावा बच्चे जो बच गए सेंटर, जैसे दिल्ली बच गया बच्चे, यहां पर कैसे रनिंग होती है, सारे के सारे डाउट तुम्हारे यार उधेड़ देंगे हम लोग, चिंता मत करो, जल्दी लेके आने वाला हूं वो चीजें भी तुम्हारे साथ। जोधपुर में क्या होता है, पहले क्या सिलेक्शन रेशो रहा है, एक एक चीज तुम्हारे साथ यहां पर रहेगी यार, चिंता ही मत करो, बस तैयारी में तुम लोग लग जाओ। जय हिंद सब लोगों को, बाय बाय।